कटनी के प्राइवेट हॉस्पिटल से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां गर्भवती महिला के इलाज के लिए परिजनों ने उसे हॉस्पिटल भर्ती करवाया था, लेकिन वहां डॉक्टर ने परिजनों से इलाज के नाम पर पैसे लूटे और महिला को दूसरे हॉस्पिटल रेफर करने को कहा। दूसरे हॉस्पिटल में इस बात का खुलासा हुआ कि महिला की मौत तो पहले हो चुकी थी और मृत महिला का डॉक्टर इलाज कर पैसे वसूल रहे थे। परिजनों ने चक्का जाम कर हॉस्पिटल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर अपने पेशे को शर्मसार कर रहे हैं। पीड़ित महिला का नाम लक्ष्मी विश्वकर्मा था, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए संगतराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां हॉस्पिटल के डॉक्टर ने इलाज के नाम पर परिजनों से 30 से 35 हजार रुपए मांगे। पैसे मिलते ही डॉक्टर ने महिला की हालत गंभीर बताते हुए रेफर करने की सलाह दी। सलाह पर परिजन महिला को दूसरे अस्पताल ले गए, जहां नर्स ने बताया कि महिला की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इस पूरे मामले की शिकायत परिजनों ने कोतवाली थाने में की। मृतक के पति प्रदीप विश्वकर्मा ने बताया कि वो पत्नी के इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल ले आया था। ऑपरेशन के बाद उसकी हालत डॉक्टर ने गंभीर बताई और इलाज के नाम पर हजारों रुपए लूट लिए। जब महिला को दूसरे अस्पताल ले गए तो दूसरे अस्पताल में महिला की मौत बहुत पहले ही होना बताया, जिससे साफ होता है कि डॉक्टर ने झूठे इलाज के नाम पर पैसे लूटे। मैं मरीज लेके आया सुबह 9 बजे ये अस्पताल में, मरीज सही सलामत था। उसके बाद इलाज चला है ना, इलाज करती रही 2-3 बजे के बाद इन लोगों ने अंदर रूम में ले गए। कई प्रकार का इलाज बताई हम लोग को, अंदर जाने नहीं दी है ना, मिलने नहीं दी। फिर उसके बाद इन्होंने जैसे जैसे 8 बजने के बाद इनने बोला रिफर ले जाने के बाद मैं दिखाया धर्मलोक में, तो महिला सिस्टर वहाँ की बोल रही है महिला कब की मरी हुई है ना, तो ये लोग मुर्दों का इलाज कर रहे थे। मृत के 2 साल का बच्चा है सर, और उसके बाद उसके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि उनका इलाज करवा सके, ढंग से करवा सकें। पहले उन्होंने शासकीय हॉस्पिटल लाए, शासकीय हॉस्पिटल से उन्होंने यहाँ लाए। जब यहाँ उन्होंने लाए तो पैसे की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने अपने प्रॉपर्टी गहन रखे और 4 बजे तक आके पैसे जमा किए। यहाँ पे करीब 1.5 लाख रुपए जमा करवा चुके हैं। वही मंगतराम हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा महिला के परिवार को भड़काया गया। यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो महिला को दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था। वहीं दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि महिला की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। आक्रोशित परिजनों ने मंगतराम हॉस्पिटल के सामने मृतिका लक्ष्मी विश्वकर्मा का शव रख चक्का जाम कर दिया और हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ भी की और हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और मृतका लक्ष्मी विश्वकर्मा की डेड बॉडी एम्बुलेंस में रखी हुई है। उनके पति ने बताया कि हम चलिया के रहने वाले हैं, सुबह सरकारी अस्पताल ले गए थे, तो उनको अच्छे इलाज के लिए डॉक्टर लालवानी साहब के यहाँ लेके आए थे और उनकी इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई है। जब हम सूचना मिली हम यहाँ आए, हमें कोई स्टाफ और डॉक्टर साहब नहीं मिले। मेरे पास पेशेंट एम्बुलेंस में आई थी, उनके साथ 2 स्टाफ थे। पेशेंट के मुंह में सांस की नली डाली गई थी, जिससे वो बैग, जिसको हम लोग अम्बू बोलते हैं, उससे वो बैग से रेस्पिरेशन दे रही थी, मतलब सांस दे रही थी। जब पेशेंट यहाँ पे आई थी तो उसकी नब्ज देखी, नब्ज में मतलब नब्ज नहीं चल रही थी, बीपी नहीं मिल रहा था, पीपल पूरे डायलेटेड थे। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी पेशेंट को मृतक घोषित कर देते। उसकी मौत का जिम्मेदार उसकी नेग्लिजेंस है, हम जिम्मेवार नहीं है। बिगड़ा हुआ केस था वो, आपने धर्मलोक में भेजा तो आपके धर्मलोक वाले क्यों भड़काएंगे आपके खिलाफ? क्योंकि डॉक्टर्स में राइवलरी है, डॉक्टर्स एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमने जो तीन हॉस्पिटल का नाम लिया है, तो ये चीज है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।